नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश में कुल 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी। इनके बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इससे पहले बड़े विस्तार से हमने सैयद वंश के बारे में बात की, तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको मेडविल हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मेडविल हिस्ट्री से जुड़े हुए सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसे याद से दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अलाउद्दीन आलम शाह के समय में दिल्ली की गद्दी पर बहलोल लोदी ने अपना अधिकार कर लिया और यहां से जो है लोदी वंश की शुरुआत दिल्ली की गद्दी पर हो गई 1451 से लेकर के 1526 तक लोदियों का शासन दिल्ली की गद्दी पर रहा, जब तक कि बाबर जो है समरकंद से आकर के इनके हाथ से सत्ता न छीन लिया तब तक। उसके बाद तो फिर मुगलों का शासन दिल्ली पर प्रारंभ हो गया। तो लोदी वंश में कुल 3 शासक रहे, बहलोल लोदी जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया और जो कि लोदी वंश का संस्थापक रहा, 1451 से लेकर के 1489 तक इसने शासन किया। इसका शासन कुल 38 वर्ष रहा, 38 वर्ष 38 ईयर इसने जो है शासन किया और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला यही बहलोल लोदी रहा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर लोदी वंश का दूसरा शासक सिकंदर शाह लोदी गद्दी पर बैठा, जो कि 1489 से लेकर 1417 तक दिल्ली का शासक बना रहा और लोदी वंश में सर्वाधिक योग्य शासक इसे माना जाता है। उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा 1517 में और फिर जो है 1526 में प्रसिद्ध पानीपत के लड़ाई में हारने के बाद फिर बाबर ने जो है दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया और उसके बाद 1857 तक जो है दिल्ली पर मुगलों का नियंत्रण रहा। हालांकि अंग्रेजों के आने के बाद तो अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक इतिहास में हमने बड़े डिटेल में बात की। तो अब बात करते हैं बहलोल लोदी के बारे में 1451 से 89। उससे पहले कुछ बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले लेक्चर में मुझे कुछ ऐसे कमेंट मिले आप लोगों की तरफ से कि आप चूंकि अब पेड पढ़ा रहे हैं पॉलिटी और इकोनॉमी, तो इस नाते से आप केवल काम चलाऊं तरीके से जो है ये मेडविल हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है कि किसी भी चीज़ को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें अपना 100% न दूँ, वो चाहे फ्री में पढ़ाना हो चाहे पेड में पढ़ाना हो। अब क्या है कि कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें बहुत कुछ चीज़ें बताने लायक होती नहीं है, बहुत कोई कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, और इस नाते से जो है उनको इसी प्रकार से जो है हैंडल करना होता है। आप देखे होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी ऐसे कई लेक्चर्स होंगे, जैसे हमने मुगलों के पतन की बात की तो सबको हमने औरंगजेब के बाद एक क्रम से 2 लेक्चर में निपटाया था, लेकिन चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री में उतना स्कोप है बात करने के लिए, समझने के लिए इतना स्कोप यहाँ है नहीं। और दूसरी बात है कि अगर इसे ऑप्शनल के लेवल पर पढ़ें इन सब चीज़ों को,
तो फिर हमें बहुत गहराई में जाना होगा, तब एक एक चीजों को पढ़ना होगा जो है। और ये जो हम राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें सल्तनत के प्रशासन को पढ़ना है, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय के लेखकों के बारे में पढ़ना है, उस समय के यात्रियों के बारे में पढ़ना है। अब बस हम इसे निपटा करके उसी पर आएंगे, जिनसे कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि आप राजनीतिक इतिहास केवल पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हम इसे एक बार कंप्लीट करके हम उसी पर आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे जो जैसे एनसीईआरटी को ही ले लीजिए, इस विषय पर जो लिखी गई, तो आप देखेंगे कि इन लोगों को वो एकदम पूरी तरह से स्किप कर देता है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि स्किप करके, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की हमने बात की तो बड़े विस्तार में हमने बात की, स्कोप था वहां बात करने के लिए, बहुत मजबूत साम्राज्य उसने खड़ा किया था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, जो है यहाँ बहुत स्कोप ही नहीं है बात करने के लिए। और बस इस नाते से, हाँ ऑप्शनल में अगर ये पढ़ना हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो उसको हम अलग ढंग से बात कर सकते हैं, एक विषय पर बात कर सकते हैं कि क्यों सैयद वंश इतना जल्दी ढह गया, क्या कारण था, बहुत विस्तार में बात हो सकती है, यहाँ बहुत स्कोप नहीं है। खैर इतनी बात हो गई, तो अब आ जाते हैं विषय पर। ऐसा कभी भी आप ये कल्पना ना करें कि जो है यहाँ मैं खड़ा होता हूँ तो निश्चित रूप से जो है मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ, ये विश्वास आपको करना चाहिए। तो अब जो है बात करेंगे तो बहलोल लोदी के बारे में, 1451 से 1489। तो ये बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक रहा। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर शासन हमेशा तुर्कों का रहा। तो दिल्ली सल्तनत में ये प्रथम जो है अफगान साम्राज्य था, ठीक है, ये लोग अफगानिस्तान से संबंधित थे, तो ये प्रथम अफगान साम्राज्य रहा, कौन, लोदी वंश। और इसी लोदी वंश के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अंत भी हो गया। तो ये लोदी जो है अफगानिस्तान के गिलजई कबीले के शाह खेल शाखा से संबंधित थे, ठीक है, बहलोल अफगानिस्तान के गिलजई कबीले के शाह खेल शाखा से संबंधित थे। देखिए जब बहलोल लोदी सत्ता प्राप्त किया तो यहां पर यानी भारत में बहुत ज्यादा अफगानी नहीं थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। और इस नाते से एक बात बहलोल लोदी को समझ में आ रही थी कि हमारी चूंकि संख्या कम है इसलिए हमारी आवाज दबा दी जाएगी, अभी तो मैं शासक बन गया हूं लेकिन भविष्य में वो दबाई जा सकती है, हम कमजोर हैं। और इस नाते से रोह के अफगानों से बहलोल लोदी ने अपील किया, और वो क्या अपील थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाइयों तुम आओ, तुम यहां आकर अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओगे। अपने अफगान भाइयों को संबोधित कर रहा है अफगानिस्तान से आने के लिए कि मेरे अफगान भाइयों तुम आओ, यहां आकर तुम अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओगे और मैं भारत में अपना साम्राज्य खड़ा कर लूंगा। बहलोल लोदी का कहना कि मेरे भाइयों तुम यहां आओ, तुम अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओगे और यहां मैं अपना साम्राज्य खड़ा कर लूंगा। और जो है उसके इतना कहते ही, बहलोल लोदी के इतना कहते ही अब्बास खां शेरवानी कहता है, अब्बास खां शेरवानी कहता है कि अफगान टिड्डी दल की तरह भारत की तरफ जो है चल पड़े, बहुत मात्रा में जो है चले कि चलो भाई अपने भाई का शासन भारत में शुरू हो गया। तो इसका शासन कुल 38 वर्ष चला, जो दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक था। इतने दिन तक किसी ने दिल्ली पर शासन नहीं किया दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। अच्छा अभी तक हमने जो है राजत्व के सिद्धांत को समझा कई शासकों के, जिसमें से बलबन पर हमने काफी विस्तार से बात किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत। तो
अगर राजत्व के सिद्धांत को अगर हम देखें डॉक्ट्रिन ऑफ किंगशिप के पीछे तुर्क शासकों के, जिनमें से कई के बारे में हमने बड़े विस्तार से समझा है, तो हमने देखा था कि उनका जो राजत्व सिद्धांत था वो निरंकुशता पर आधारित था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कठोरता पर जो है आधारित था। बलबन तो कहता ही था कि जो है राजा पृथ्वी पर ईश्वर की परछाई है और इस नाते से वो सबसे अलग है। वो पाबोस की प्रथा भी उसने शुरू करवाई कि जो है बादशाह के पैरों को चूमना है, वो सारी प्रक्रिया। लेकिन बहलोल लोदी का जो राजत्व सिद्धांत था वो अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था कि हम सारे लोग भाई हैं, ठीक है मैं राजा हूं कोई बात नहीं, लेकिन हम सब भाई हैं, हम सब समान हैं, अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। अब्दुल्ला रचित तारीखे दाऊदी, अब्दुल्ला रचित तारीखे दाऊदी में यह कहा गया है कि मजलिस में यानी सभा में, मजलिस में कभी भी बहलोल लोदी सिंहासन पर नहीं बैठा और ना ही कभी उसने अमीरों को खड़ा रहने दिया। तो उस तरह का राजत्व सिद्धांत नहीं था जिसमें कि सम्राट जो है एकदम ईश्वर हो जाए और सारे उससे नीचे हो जाएं, उस तरीके से नहीं, समानता पर आधारित था कि ठीक है मैं भी बैठा हूं आप लोग भी बैठिए, आप लोग खड़े मैं भी खड़ा हूं, इस तरह का समानता पर आधारित, ठीक है, राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। हालांकि एक बात आप जान लीजिए कि राजशाही में ये समानता की बात बहुत दिन तक चल नहीं पाती है और निश्चित रूप से साम्राज्य कमजोर होने लगता है। बहलोल को याद करने के लिए या परीक्षा के हिसाब से अगर हम समझे तो एक काम ये कि बहलोल ने 1/4 टंके मूल्य का, ये चांदी का सिक्का था जिसका नाम था बहलोली सिक्का, बहलोली सिक्का, ठीक है, चांदी का ये सिक्का था, इसको बहलोल लोदी ने चलवाया और ये अकबर के समय तक इसका प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। 1489 में लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी के समय काल में ये कहा जाता है कि दिल्ली की जो पुरानी चमक दमक थी और जिसे तैमूर लंक का ग्रहण लग गया था उसमें अब जो है कुछ चमक वापस लौट करके आई थी और उसका श्रेय था बहलोल लोदी का शासन काल। हालांकि 1489 में इसकी मृत्यु के बाद जो है सिकंदर शाह लोदी गद्दी पर बैठा। सिकंदर शाह लोदी बहलोल का तीसरा पुत्र था, ठीक है, और ये एक हिंदू सुनारमा जयबंद का पुत्र था, ठीक है। तो ये बहलोल लोदी ने एक हिंदू सुनार स्त्री से शासन किया था, जयबंद जिसका नाम था, उसका ये पुत्र था, ठीक है। तो ये एक मुस्लिम मां का पुत्र नहीं था, ये एक भारतीय हिंदू मां का पुत्र था, सुनार जाति की, जयबंद उन महिला का नाम था जिनका ये पुत्र था। और इस नाते से जहां पर कि मुस्लिम सर्वोच्च है, इस तरह की शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत की, उसमें जो है अमीर पचा नहीं पा रहे थे, सरदार ये बात पचा नहीं रहे थे कि एक हिंदू मां का बेटा जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बने, इस बात को जो है पचा नहीं पा रहे थे अफगानी सरदार, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखें तो चूंकि ये हिंदू मां का पुत्र था और इसका पिता मुसलमान था और इसका इस आधार पर विरोध भी हो रहा था कि एक हिंदू की मां से जन्मा पुत्र शासक नहीं होना चाहिए मुस्लिम राज्य का, उसके बावजूद इसकी जो नीति रही वो असहिष्णुता वाली रही, एकदम जो है कट्टरता, धार्मिक जो कट्टरता रही इसकी राज्य की नीतियों में रही, जिस पर हम आगे आके बात करेंगे।
तो लोदी वंश के शासकों में इसे सबसे महान माना जाता है। इसके समय में सबसे अधिक क्षेत्र विस्तार हुआ और ये जो बहलोल लोदी की समानता की नीति थी, अफगान सरदारों की समानता की नीति थी, उसकी जगह पर इसने जो है अफगानी सरदारों को अनुशासित किया। अब क्या था कि जो अफगान सरदार थे, कई जो वरिष्ठ थे, वो राजा के विशेषाधिकारों का भी प्रयोग करते थे। कुछ विशेषाधिकार राजा को मिले होते हैं, उसका प्रयोग केवल राजा करता है, लेकिन ये इतने जो है समानता के आधार पर आ चुके थे कि उसका भी ये प्रयोग करते थे। और ऐसे में जो है सिकंदर शाह लोदी को ये बात समझ में आ गई कि ये ठीक प्रथा नहीं है। जैसे अभी अखिलेश यादव को कुछ वर्ष पहले ये समझ आ गया कि ये ठीक नहीं है, पांच पांच मुख्यमंत्री प्रदेश में तो ठीक नहीं है, और अंततः सारे लोग तो एडजस्ट हो गए, लेकिन उनके चाचा जी की बलि चढ़ गई। उनके चाचा जी जो है मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाकर भी एक दो बार बैठ चुके थे। तो मुझे याद है उस समय मैंने एक कालम पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री जैसा होना और मुख्यमंत्री होने में अंतर है। मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री की चेयर पर नहीं बैठ सकता, केवल मुख्यमंत्री बैठ सकता है। हो सकता है आप मुख्यमंत्री को निर्देश देते हो, इतनी बड़ी शक्ति आपके पास हो, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेयर है उस पर मुख्यमंत्री ही बैठेगा। तो मुख्यमंत्री जैसा होने और मुख्यमंत्री होने में अंतर है। तो उसी पर बदनाम भी हो गई जो है अखिलेश यादव की सरकार की, इसे पांच पांच मुख्यमंत्री चलाते हैं। सबसे बड़ा आरोप जो है उनके चाचा शिवपाल यादव पर था, और अंततः जो है शिवपाल यादव जी को उन्होंने अनुशासित किया, हालांकि वो विद्रोही हो गए। तो इसने अफगानी सरदारों को अनुशासित किया तथा राजा की श्रेष्ठ स्थिति स्वीकारने हेतु बाध्य किया कि नहीं भाई, राजा श्रेष्ठ है, ठीक है, राजा श्रेष्ठ, आप कितनों शक्तिशाली हो जाएंगे, अब राजा की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, उसकी ऑफिस में नहीं बैठेंगे, वो आएगा तो खड़ा होना पड़ेगा, उसका आदेश अंतिम होगा, ये आप पर बाध्यकारी होगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके समय में जो कुछ महत्वपूर्ण जो है विस्तार हुए, जैसे अगर हम देखें तो बहलोल लोदी ने जो है जौनपुर में, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकी राजवंश की स्थापना हुई थी, तो बहलोल लोदी ने आक्रमण किया था जौनपुर पे और बुरी तरह से हराया था, और एक प्रकार से जो है जौनपुर को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया था। लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ शक्ति बची रह गई, तो वो हुआ कि जौनपुर के से सरकी वंश का साम्राज्य समाप्त कर दिया गया, उसकी स्वतंत्र स्थिति को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली सल्तनत में उसे मिला लिया गया, ठीक है। और उसी के नाते से आगे बढ़ते बढ़ते बिहार भी, तो सिकंदर शाह लोदी का जो साम्राज्य रहा वो पंजाब से लेकर बिहार तक फैला था। तो काफी बड़ा विस्तार सिकंदर शाह लोदी के समय में हुआ। तो यही लिखा हुआ है, तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सर्वाधिक वृद्धि इसी के समय में हुई, सिकंदर शाह लोदी के समय में। अच्छा, जैसे बहलोल को याद करने के लिए बहलोली सिक्का, उसी तरह से सिकंदर लोदी को याद करने के लिए गजे सिकंदरी, ठीक है, माप की एक इकाई गजे सिकंदरी, जो कि मुगल काल तक प्रचलित रहे। अच्छा, इसने जो है खाद्यान्न पर जो चुंगी जो कर लगता था फूड ग्रेन पर, उसे जो है हटा लिया, और जिस नाते से कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं थी उनका मूल्य कम हो गया, और इस नाते से जो है इसने जनता को एक जो है तोहफा दिया कि खाद्यान्न का मूल्य जो है कम मूल्य पर खाद्यान्न उन्हें उपलब्ध हो जाए। 1504 ईस्वी में इसने आगरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो राजस्थान में राजपूताना को नियंत्रित करने के लिए आगरा में इसने राजधानी बनाई, और कालांतर में हम जानते हैं कि आगरा जो है मुगल काल में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर और राजधानी के रूप में जो है विकसित हुआ, ठीक है। तो उस आगरा शहर को इसी ने ही जो है बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया।
सिकंदर शाह लोदी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, फारसी का ये ज्ञाता था और जो है ये गुल रुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। ठीक है, गुल रुखी नाम से। इसके समय में कई संस्कृत ग्रंथ, हालांकि ये बहुत कट्टर धार्मिक था, बात करते हैं उस पर, लेकिन इसके समय में जो है कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसमें एक किताब बहुत महत्वपूर्ण है, औषधि शास्त्र आयुर्वेद से जुड़ी हुई किताब है, उसका जो है तिब्बत ए सिकंदरी या फिर फरहंग ए सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, अच्छा, इसी के समय में भारतीय संगीत पर पहली फारसी किताब लिखी गई जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, तो ये भारतीय संगीत पर जो है पहली फारसी किताब रही, पहला फारसी ग्रंथ रहा। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर असहिष्णु था। ठीक है, बहुत अधिक, कैसे उसे आप देख सकते हैं। निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि इस्लाम में उसकी धर्मांधता इतनी अधिक थी कि वह इस क्षेत्र में अतिशय की सीमा पार कर गया था, अतिशय की। अब जो अति हो सकता है, जो एकदम अंत हो सकता है, जो चरम हो सकता है, उसको भी ये पार कर गया था। धर्मांधता में स्थिति इसकी ये थी, और जबकि ये था क्या, एक हिंदू माँ का पुत्र था। ठीक है, और जिसे इस नाते से कि वो हिंदू माँ का पुत्र है, काफी विरोध भी झेलना पड़ा अपने शासन के दौरान, उसके बावजूद इसकी स्थिति जो है धर्मांतता की स्थिति अतिशय की सीमा को पार कर गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को पूरी तरह से जला दिया, तोड़ दिया, और जो मूर्तियों से पत्थर मिले उन्हें कसाईयों को मीट तौलने के लिए दे दिया कि ये लो। उसी के हिसाब से उन मूर्तियों से बटखरे बनाए गए, बटखरे समझते हैं आप। ठीक है, तौलने के लिए 1 kg, 2 kg, 5 kg, आप लोगों ने भी अपने घरों में पत्थर देखे होंगे, पहले उससे तौला जाता था, अब तो लोहे के बाट आ गए। तो उन मूर्तियों से जो पत्थर निकले थे उन्हीं को काट छाट के वो जो है मांस तौला जा रहा था। मथुरा और चंदेरी के मंदिरों को कहा जाता है कि इसने नष्ट कर दिया। एक ब्राह्मण को केवल इस बात पर इसने जिंदा जलवा दिया कि उस ब्राह्मण ने अपने उद्बोधन में बस इतना कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पवित्र हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पवित्र हैं, और इतनी बात पर उस ब्राह्मण को इसने जो है जिंदा जलवा दिया। एक बात इसके बारे में और बताना चाहूंगा कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने जो है बेरोजगारों को और गरीबों को भत्ता दिया, और ये मुस्लिम जो लड़कियां थी उनके विवाह के लिए भी जो है ये दहेज कहिए या धन कहिए जो भी ये देता था। तो कुल मिलाकर के बहुत असहिष्णु ये शासक था, और जिसने जो है हिंदू धर्म के विरुद्ध जो है बहुत सारे काम किए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूर्तियों को तोड़कर उससे मांस तौलने का जो है ये घिनौना कार्य भी इसी के समय में हुआ, जबकि ये जो है एक हिंदू माँ का ही पुत्र था, तो हो सकता है कि वो अपने को स्थापित करना भी चाह रहा हो। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई नया मियाँ होता है तो वो अल्लाह अल्लाह खूब करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है लोदी वंश में बहलोल लोदी और सिकंदर शाह लोदी के बारे में बात की। अब आगे जो है हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में, फिर बाबर का कनेक्शन आ जाएगा, इन सब पर जो है हम बात करेंगे, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत अगले लेक्चर में हम समाप्त कर लेंगे। तो फिर जो है दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।